नातिट्यूड चैनेले आबार तोमादेर स्वागत। आज के आमरा जेक्सपो एवं भोगलेटेर एक कमन सिलेबास सेटा होच्छे एप्टिट्यूड टेस्ट बा एप्टिट्यूड। तो सेई एप्टिट्यूडेर उपर एक टेस्ट नेब। तो एखाने आज के जेटा होच्छे कि क्लासिफिकेशन चैप्टारेर उपर बा श्रेणीबिन्यास चैप्टारेर उपर एखाने चारटे अपशन देवा थाके। सेई चारटेर मध्ये एकटा आलादा थाके, बाकी तीनटे थेके एकटा आलादा थाके, किन्तु कोनटा सेटा सेटा निर्णय करते हैं चैप्टारे मूलत। तो प्रश्नगुल राय मार्टिन जेक्सपो क्रैकार्स जो बोईटा थे से बोटा थे नया हो। तो तुम्हारा जो बोटा नीते चाओ पीडिएफ तो डेस्क्रिप्शन चेक करते पर। तो शुरू करा जा आजकल भिडियो। तो प्रथम प्रश्न देखो, ये बला हे प्रदत्त चार विकल्प मध्य बी सदृष्टि निर्वाचन करो। हाँ, चारटे मध्य कौनटी आलदा बाकी तीनटे थे आलदा। तो एखे देखो कफी दूध चीनी एवं चा। तो ये तुम्हारा कि कर प्रथम भिडियो पज कर निजे एक चेष्टा कर, तरपर ना पारले पारले जैक हमार अन्सार देखें। तो ये सठिक उत्तर दूध। एबार क्यों दूध अन्सार होता देखो, कफी चीनी एवं चा ये तीनटे हे कि कठिन पदार्थ शुक्नो पदार्थ, ठीक है, किन्तु दूधटा हे तरल पदार्थ। ये हिसाब से दूधटा हेने सठिक उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न दुई नम्बर, एक ही जिनिस लेखा थाकबे बार बार। तो प्रश्न जदि आसे एरकम ही किछु एकटा लेखा थाकबे। अपशनगुलो देखो डायरेक्ट, पृथ्वी चाँद मंगल एवं शुक्र। तो खूब सहज प्रश्न, बुझते पारछो आशा करी सबाई। तो एखाने सठिक उत्तर हो गेलो चाँद। तार कारण हच्छे कि पृथ्वी मंगल ए शुक्र तीनटे हे ग्रह, किन्तु चाँद हच्छे एकटा उपग्रह। चले जाब नेक्स्ट प्रश्न, प्रदत्त चारटी विकल्पेर मध्ये बिसदृश निर्वाचन करो, वर्गक्षेत्र वृत्त सामान्तरिक आयतक्षेत्र। तो एटाओ खूब सहज प्रश्न, एकटू कन्सेप्ट थाकले हय। एटा सठिक उत्तर हो जाच्छे कि वृत्त। तार कारण हच्छे एई तीनटे हच्छे एक एकटा चतुर्भुज, सब चारटे बाहु निये गठित, किन्तु वृत्त कोनो बाहु नेई, एर असंख्य बिंदु दिए एकटा वर्गरेखा एकटा वक्ररेखा दिए गठित। ओके, नेक्स्ट हच्छे चार नम्बर प्रश्न, जे न्यूटन आइनस्टाइन मैक्सवेल और डार्विन चार जन विज्ञानी नाम आछे। तो ये चारजुन मध्य एक जन आलदा आकी तीन जन से एखे उत्तर है जो अपशन डी डार्विन। प्रथम तीनटे जो न्यूटन आइनस्टाइन और मैक्सवेल एरा सबाई हे फिजिक्सर पदार्थविद्यार विज्ञानी और डार्विन हे जीवविद्या बायोलॉजी विज्ञानी, एज डार्विन हो गल आलदा एट हो गल आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो, जे प्रदत्त चारटी विकल्पर मध्य बिसदृष्टि निर्वाचन करो, उट पाखी पायरा काक और चड़ुई। तो धराटा एकटू कठिन हो जाए। तो एखाने एक्चुअली उट पाखी हबे आंसर। तार कारण हच्छे पायरा काक एवं चड़ुई ए तीनटे उठते पारे, उट पाखी उठते पारे ना जस्ट हाँटते पारे। ओके, एइजन्य अपशन ए हये गेल उत्तर। नेक्स्ट चले जाब, मनिटर कीबोर्ड वेबकैम एंड माउस। तो एखाने कि उत्तर हबे, एखाने सठिक उत्तर हबे मनिटर। तार कारण हच्छे कीबोर्ड वेबकैम एवं माउस ए तीनटे हच्छे इनपुट डिवाइस और मनिटर हच्छे आउटपुट डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुम्बई भुवनेश्वर जयपुर और इलाहाबाद एर मध्य कोनटा आलादा। तो एखाने सठिक उत्तर हबे अपशन डी इलाहाबाद। ओके, कारण हच्छे मुम्बई भुवनेश्वर जयपुर तीनटे हच्छे एक एकटा राजधानी शहर, किन्तु इलाहाबाद कोनो राजधानी शहर नय। चले जाओ परवर्ती प्रश्न आठ नम्बर, प्रदत्त चारटी विकल्पर मध्य बिसदृष्टि निर्वाचन करो, जीभ स्वाद चोख अंध कान काला पा पंगु। तो ये सठिक उत्तर अपशन ए। तार कारण हे चोखर एक रोग हे अंध अंधत्व बा अंध, कान एक रोग हे काला, पायर एक रोग हे पंगु, किन्तु जीभर को रोग स्वाद नय, ठीक है, से हिसाब से अपशन ए हो गेल उत्तर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रदत्त चारटी विकल्पर मध्य बिसदृष्टि निर्वाचन करो, गाड़ी रास्ता रकेट महाकाश जहाज समुद्र एरोप्लेन चालक। तो ये देखो उत्तर अपशन डी। अब क्यों है से देखो, गाड़ी रास्ता दिए चले, रकेट महाकाशे चले, जहाज समुद्रे चले, एरोप्लेन चालक ऊपर दिए तो चले ना, चालक चालाय एरोप्लेन। तो अपशन डी यह गल आंसर। तो नेक्स्ट प्रश्न दस नम्बर देखो, प्रदत्त चारटी विकल्पर मध्य बिसदृष्टि निर्वाचन करो, लाभ क्षति
ज्ञानी बोका पुण्य पाप आकर्षित करा प्रलिप्त करा तो एक सहज आज तुम्हारा बुझते देखे अपशन डी उत्तर एखे तर कारण हे लाभ क्षति एरा प्रथम तीनटे कि हे परस्पर विपरीत अर्थ बोझा लाभ उल्टो क्षति ज्ञान विपरीत बोका पुण्य विपरीत पाप किन्तु यह दुटो प्राय काछाकाछी अर्थ बोझा अपशन डी हो गेल आंसर। एगारो नम्बर प्रश्न प्रदत्त चार्टि विकल्पर मध्य विशद निर्वाचन करो शार्ट ड्रेस बॉय गार्ल मैंगो फ्रूट टेबल फार्निचार एट सहज आता इंग्रजी रखा होने समय इंग्लिशे प्रश्न देा थे अपशनगुल इंग्लिशे थे दरकार तो एखे अन्सार हो गल अपशन बी तर कारण हे शार्ट हे एक ड्रेस मैंगो हे एक फ्रूट टेबिल हे एक फार्निचार आसबावपत्र किंतु बॉय तो एक गार्ल नए दोटो आलदा जिनिस ओके अपशन बी एर आंसर हो गल। बारो नम्बर प्रश्न प्रदत्त चार्टि विकल्पर मध्य विसदृश निर्वाचन करो एखे देखो ये मध्य कौनटी आलदा तो ये एक्सप्लेनेशन आगे बुझते हैं देखो दुई और चार जदि गुण करा है आठ है ओके तीन दुई और तीन गुण कर छय हाँ चार और दुई गुण कर से हिसाब से प्रथम हवा दरकार क्योंकि ये हाँ यह अपशन सी हो गल आंसर एट चेक कर देखो तीन और तीन गुण कर नय अर्थात एकक अंक और दशक अंक गुण कर शतक अंकटा आसे एकक अंक और दशक गुण कर शतक अंक आस नियम एखे फलो करा ये सी हो गल एखे आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखो जे सेवेन सात थे पंचाश नय बिराशी एगारो एकश बाईस दस एवं निरानब्बे एर मध्य कौन आलदा तो एखे देखो सम्पर्क कम आतर स्कोयर मान कत ऊनपंचाश तरह एक जोग कर पंचाश आसे नय स्कोयर हे एकाशी एकाशी और एके बिराशी दस एगारो स्कोयर हे कत एकश एकुश तरह एक जोग कर एकश बाईस क्योंकि दस स्कोयर हे एकशो तरह एक जोग कर एकशो एक हार कथा छो नियम क्योंकि ये हे व्यतिक्रमी एटाई हे विसदृश ओके अपशन डी हो गल आंसर। नेक्स्ट हे प्रदत्त चार्टि विकल्पर मध्य विसदृश निर्वाचन करो आठ पंद्रह पचिस छत्रिस फर्टी नाइन सिक्सटी फोर एट्टी वन हंड्रेड एट सहज आखने सठिक उत्तर हे अपन ए तर कारण हे पचिस ए छत्रिस पाँच स्कोयर छय स्कोयर परपर क्रमिक संख्यार वर्ग एगुलो आतर स्कोयर हे ऊनपंचाश आठ स्कोयर हे चौषटी नय स्कोयर हे एकाशी दस स्कोयर हे एकश ठीक है तेल एरा क्योंकि को स्कोयर नई ये हे आलदा। नेक्स्ट प्रश्न प्रदत्त चार्टि विकल्पर मध्य विसदृश निर्वाचन करो देखें देखो ए टी एन आई आर सी यू टी के आर ए डी आर ओ टी एम ए आर एखे एक्चुअल एकटू आलदा आखने एक सजिए एक वार्ड पा जाए एक्सप्लेनेशन देखो तेल बुझते ए टी आर ए टी एन आई आर ये सजिए आस ट्रेन এই অক্ষরগুলোকে যদি সাজানো হয় ছোটোবেলায় থাকতে দেখবে ক্লাস ওয়ান টু এরকম প্রশ্ন তো এখানে এটা সাজিয়ে ট্রেন আসবে একইভাবে সি ইউ টি কে আর এটাকে সাজালে ট্রাক হবে এ ডি আর ও এটাকে সাজিয়ে লিখলে রোড হবে যেটা একটা শব্দ অর্থ আছে টি এম এ আর এর এটাকে সাজিয়ে লিখলে ট্রাম হবে তো প্রথমটা অ্যাকচুয়ালি ট্রেন বোঝাচ্ছে এটা ট্রাক হচ্ছে এটা রোড হচ্ছে এটা ট্রাম হচ্ছে তাহলে আলাদা কি এই তিনটের মধ্যে হ্যাঁ এইটা এডিআরও অপশান সি অর্থাৎ রোডটা আলাদা তার কারণ হচ্ছে এই তিনটে হচ্ছে যানবাহন এই তিনটে যানবাহনকে বোঝাচ্ছে কিন্তু এটা রাস্তাকে বোঝাচ্ছে রাস্তা এই জন্য অপশান সি হয়ে গেল আনসার। নেক্সট প্রশ্ন প্রদত্ত চারটি বিকল্পের মধ্যে বিসদৃষ্টি নির্বাচন করো দেখো টু এইট সিক্স সিক্স টু এইট থ্রি নাইন সেভেন সেভেন থ্রি নাইন ফোর সেভেন ফাইভ ফাইভ সেভেন ফোর থ্রি সিক্স নাইন নাইন সিক্স থ্রি তো এটাই তোমাদের আজকের হোমওয়ার্ক হিসাবে দেওয়া থাকলো এর আনসারটা কী হবে তোমরা একটু কমেন্টে জানিয়ে দিও আর কমেন্ট না করতে পারলে যারা কমেন্ট করছে সঠিক উত্তর তাদের কমেন্টে একটা লাইক দিয়ে দিও। তো আজকের ভিডিওতে এই ১৬টা ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন আলোচনা করা হলো আর এই যে প্রশ্নগুলো নেওয়া হয়েছে রায় মার্টিন এর জেক্সপো বই থেকে তো সেই বইটার সম্পূর্ণ বইয়ের পিডিএফ একটা লিংক ডেসক্রিপশনে দেওয়া আছে সেখান থেকে তোমরা সেটাকে কিনে নিতে পারবে আর চ্যানেল যারা নতুন এসছো তারা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবে এবং নোটিফিকেশান অন করে রাখবে কারণ এই চ্যানেলে পরবর্তীতে জেক্সপো এবং ভোগলেটের বিভিন্ন ক্লাসের ভিডিও আপলোড হবে এছাড়া অন্যান্য কাউন্সিলিং বা অন্যান্য হেল্প এখান থেকে পাওয়া যাবে এই জন্য অবশ্যই চ্যানেলের সঙ্গে থাকাটা তোমাদের জরুরি। আজকের ভিডিওতে এই পর্যন্তই।